भागलपुर में अपराधियों का मनोबल बुलंद है। अपराधियों ने बुधवार की रात नाथनगर रेलवे स्टेशन पर मैट्रिक के छात्र सहित दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। रात करीब 9:30 बजे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े मैट्रिक के छात्र ललमटिया थाना क्षेत्र के कुंडी टोला निवासी स्वर्गीय बबलू शाह के पुत्र प्रिंस कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं उसके साथ खड़े रहे नूरपुर निवासी युवक शेखर कुमार को भी गोली मार दी गई। उसकी मायागंज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही नाथनगर ललमटिया व जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दिया गया। जांच के क्रम में घटनास्थल से मृतक छात्र का मोबाइल फोन बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस प्रेम प्रसंग, स्मैक के धंधे और आपसी विवाद को लेकर हत्या होने की आशंका जता रही है। दोनों मृतक रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचे, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। बता दें कि नूरपुर निवासी शेखर गोली लगने के बाद अपने घर की ओर भागा पर बड़ी मस्जिद के समीप गिरकर कहराने लगा, जिसके बाद पड़ोसी युवक की नजर उस पर पड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बता दें कि शेखर गुपचुप की दुकान चलाता है और दोनों परिजनों की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। घटनास्थल पर पहुंची मृतक छात्र की मां खुशबू देवी ने बताया कि रात करीब 9 बजे घर से खाना खाने के बाद वह घर से थोड़ी देर में वापिस आने की बात कहकर निकला था। कुछ ही देर बाद पता चला कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने बताया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वह इस बार मैट्रिक की परीक्षा देने वाला था। छात्र के पिता की मौत के बाद छोटी दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। इधर नाथनगर इंस्पेक्टर राजरतन ने बताया कि प्लेटफॉर्म के बीच में रेलवे ट्रैक पर लाश पड़ी थी। शरीर के पिछले हिस्से में पीठ की तरफ गोली मारी गई है। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। फिलहाल अनुसंधान जारी है। अभी 1 घंटा पहले इससे बात हुआ है, 1 घंटा पहले 9:30 बजे बात हुआ है इससे। क्या बताया? बोला मतलब घर में खड़ा जो बना हुआ था ना, तो दीदी कॉल की, हम उसके मामा हुए, जो दीदी कॉल की तो बोला कि कखनी आई माँ, बोला कि तो लोग तो संतरो ना माँ अभी जुबे। क्या करता है ये? पढ़ता है। और कुछ? कौन क्लास में? अभी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देता। भागलपुर के राजहंस होटल में संचालित होने वाले इग्नाइट इंस्टीट्यूट द्वारा बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। बता दें कि इग्नाइट इंस्टीट्यूट ने लंबा चौड़ा प्रमोशन कर कई बच्चों को अपने झांसे में ले लिया और भारी मात्रा में मोटी रकम फीस के तौर पर वसूलने के बाद इंस्टीट्यूट अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ने में लगा रहा, जिससे परेशान छात्र छात्राओं ने गुरुवार को इंस्टीट्यूट में जमकर हंगामा किया। छात्रों ने बताया कि प्लस टू के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा की फीस वसूली गई, पर ना तो 11वीं का सिलेबस कंप्लीट हो सका और ना ही 12वीं का। आने वाले कुछ महीनों में परीक्षा होने वाली है, ऐसे में बच्चों द्वारा कोर्स कंप्लीट करने का दबाव बनाने पर इंस्टीट्यूट यहां से भागने की तैयारी में जुट गया, जिसकी जानकारी छात्र छात्राओं के अभिभावकों को मिलने के बाद इंस्टीट्यूट पर जोगसर थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई। लिखित आवेदन में अभिभावकों ने बताया कि उन्हें झांसे में रख कर फीस के तौर पर मोटी रकम वसूली गई, जबकि इंस्टीट्यूट में ना तो कोई शिक्षक है और ना ही बच्चों के भविष्य की किसी को परवाह है। छात्रों ने बताया कि इंस्टीट्यूट पहले भी हर वर्ष बच्चों की जिंदगी के साथ इसी प्रकार से खिलवाड़ करता आया है। वहीं भागने की तैयारी में लगे इग्नाइट संस्थान के प्रोप्राइटरों पर अब पुलिस का शिकंजा कसने वाला है। अभिभावकों ने संस्थान को भागने से रोकने एवं बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाने की गुहार पुलिस से लगाई है, जबकि इग्नाइट के शिक्षक कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। इधर आवेदन के बाद पुलिस द्वारा अनुसंधान की जा रही है। वहीं पुलिस ने छात्र छात्राओं को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। आधा कंप्लीट किया है, पूरा कंप्लीट 11th भी नहीं किया है और 12th उसका बाकी है। IIT और JEE का तैयारी करवा रही हैं और हमको 2 साल का ही हमको बोली है कि एग्रीमेंट करवाई है। 2 साल के एग्रीमेंट में ये हमको आधे में भेज रही हैं। कहाँ आधे मेरा बच्चा? आधा भी कहाँ हुआ बाबा, 9 महीना हुआ है। 11th हम अपना कंप्लीट किए हैं, 11th कंप्लीट किया, कोई 11th कंप्लीट नहीं हुआ है, 11th भी बाकी है और 12th जो है ना वो पूरा बाकी है। उसका तो लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मेरे बच्चे के साथ लाइफ का खिलवाड़ होगा तो हम तो उसको नहीं ना इग्नोर करेंगे। क्या कह रहा है कि बंद कर देंगे? हाँ, इग्नाइट बंद हो रहा है, इग्नाइट बंद हो रहा है, ये चल नहीं पा रहा है, इसको पैसा नहीं है अपना। कितना पैसा लिया था आप लोग? हम तो किस्त वाइज जमा कर रहे हैं। 1,20,000 पे बात हुआ था 1 साल का? दो साल और बीच में ही बंद कर जा रहे हैं हम। हर इंस्टॉलमेंट में पैसा उसको भर रहे हैं। क्या लगता है बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था? पूरा खिलवाड़ हो रहा है, तो पूरा खिलवाड़ हो रहा है। मैडम क्या कर रही है? मैडम कह रही है कि पैसा आपको दे देंगे, जितना सा आपका बाकी है उतना सा हम देंगे। हमको बाकी पैसा नहीं चाहिए। हमको
भागलपुर समीक्षा भवन में उप विकास पदाधिकारी कुमार अनुराग की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक आयोजित की गई। इस दौरान 28 जनवरी को होने वाले सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मिजोरम बीडीसी ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों को परीक्षा के दौरान दुरुस्त व्यवस्था रखने के अलावा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक में महफूज आलम, सदर SDO धनंजय कुमार, ट्रैफिक DSP, DSP मुख्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार समेत काफी संख्या में अन्य विभाग के पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर पंडाल निर्माण और बैरिकेडिंग की जा रही है, जिससे अलग अलग विभाग की झांकी आसानी से निकाली जा सके। इधर गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बाजार और चौक चौराहों पर भी तिरंगा झंडा से दुकान सजा दिखा। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाना है। इसके अलावा सभी अधिकारी के कार्यालय, उत्तम संस्थान एवं तमाम निजी कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में मुख्य समारोह के आयोजन के बाद परमंडलीय आयुक्त, DIG, DRDA परिसर, जिलाधिकारी, SSP, SDO, जिला परिषद, नगर निगम एवं पुलिस लाइन समेत जिले भर के विभिन्न कार्यालयों और अन्य जगहों पर भी तिरंगा फहराया जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, मेयर नगर निगम भागलपुर, अपने निगम परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ने के बयान पर इंडी गठबंधन में घमासान मचता दिख रहा है। इसको लेकर गुरुवार को भागलपुर नगर विधायक एवं कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अजीत शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री होने के साथ इंडी गठबंधन की महत्वपूर्ण नेत्री है और भाजपा को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी फ्लेक्सिबल पार्टी है, सभी पार्टी के नेता मिलकर बात करेंगे और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देश एवं लोकतंत्र को बचाएंगे। साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के भारत रत्न सम्मान देने की केंद्र सरकार के फैसले का अजीत शर्मा ने स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही यह मांग करती आई है। सरकार पर ज्यादा दबाव बढ़ने के कारण आखिरकार केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान देने का फैसला लिया है। आदरणीय ममता जी हमारी मुख्यमंत्री है बंगाल की, उन्होंने जो बाइट दिया मैंने भी देखा है, और उन्होंने ये कहा है कि वो CPM, वो जब इंडिया गठबंधन में जाती है तो वहाँ पर CPM पूरा कंट्रोल करता है। ऐसा बात नहीं है, ठीक है उनको लगा होगा क्योंकि वहाँ पे उनका विरोधी पार्टी CPM है, लेकिन अभी जो देश की स्थिति है, और ये उन्होंने बोला जरूर है, लेकिन अभी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी और इंडिया गठबंधन के जो 28 दल हैं, अभी भी हम लोग का उम्मीद है कि सब लोग बैठ के बात करेंगे और बंगाल के भी
तय होगा कि कौन कितना क्या लड़ेगा। ऐसे ममता बनर्जी अभी उनका जो बाइट आया वो कहेंगी इंडिया गठबंधन में सीपीएम के चलते मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, लेकिन हमको लगता है कि देश के हित में उनको इंडिया गठबंधन में बैठ के बात करनी चाहिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद द्वारा नाटक परंपरा के जाल में की प्रस्तुति सैंडिस कंपाउंड भागलपुर खैरपुर खरीक एवं ननहार राघोपुर गांव में दी गई। बाल विवाह के विभिन्न दुष्परिणामों को दर्शाते हुए नाटक ने यह संदेश दिया कि बाल विवाह किस प्रकार लड़कियों से बराबरी और विकास के अवसर छीन लेता है। यह नाटक बाल विवाह के सांस्कृतिक कारणों की पड़ताल करने और उस पर प्रहार करने में सफल रहा। नाटक का लेखन और निर्देशन श्री विक्रम ने किया। नाटक में मुख्य रूप से सन्नी, प्रभाष, मनीषा, स्वीटी, सत्यम, राजू तथा दिव्य मणि ने भूमिका निभाई। नाट्य प्रस्तुति के दौरान संवाद का आयोजन भी किया गया। संवाद को संबोधित करते हुए संवेद के निर्देशक विक्रम ने कहा कि बाल विवाह केवल सामाजिक कुरीति ही नहीं बल्कि लड़कियों के प्रति की जाने वाली हिंसा है। देश भर में सर्वाधिक बाल विवाह के मामले बिहार राज्य में है। उन्होंने इसे रोकने के लिए ग्रामीण समुदाय से प्रयास करने की अपील की। मौके पर सुनील दास, सुभाष चंद्र गुप्ता, अजीत आनंद सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। भागलपुर के गोराडी प्रखंड अंतर्गत लोदीपुर थाना के धुरिया गांव निवासी सुजीत पंडित की 16 वर्षीय पुत्री प्रीति कुमारी का अपहरण शौच के लिए घर से निकलने के बाद कर लेने का मामला सामने आया है। इसको लेकर नाबालिग के पिता सुजीत पंडित ने बताया कि शौच करने के लिए घर से निकलने के बाद उनकी पुत्री वापिस घर नहीं पहुंची, जिसके बाद परिवार के द्वारा उसकी काफी खोजबीन की गई लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। वहीं सुजीत पंडित ने बताया कि इसकी सूचना उनके द्वारा आवेदन के माध्यम से लोदीपुर थाना को दी गई लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद एसएसपी के नाम का आवेदन लेकर सिटी एसपी अमित रंजन से पुत्री के बरामदगी की गुहार लगाते हुए दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग पीड़ित के पिता ने की है। दिए गए आवेदन में पीड़ित पक्ष की ओर से अगरपुर पंचायत के इंग्लिश लाइन गांव निवासी सेंटरिंग मिस्त्री मोहम्मद सन्नी के पुत्र मोहम्मद राजा के द्वारा नाबालिग लड़की का शादी की नियत से अपहरण करने का मामला सामने आया है। बता दें कि विगत 16 जनवरी को लड़की के पिता के द्वारा लोदीपुर थाना में आवेदन देने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इधर सिटी एसपी ने पीड़ित पक्ष को पुत्री के बरामदगी का आश्वासन दिया, जिसके बाद 23 जनवरी को लोदीपुर थाना में मामला दर्ज किया गया, पर अब तक नाबालिग पुत्री घर वापस नहीं आई है, जिससे तंग आकर हताश पिता ने विश्व हिंदू परिषद से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद संगठन के पदाधिकारी एक्टिव हुए और आरोपी के घर वालों से बात की। संगठन के उपाध्यक्ष अवधेश कुमार का कहना है कि हिंदू नाम रखकर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया गया, जो लव जिहाद की ओर संकेत कर रहा है, जिसकी जांच होनी आवश्यक है। वहीं लड़की के पिता ने पुलिस प्रशासन और विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों से अपनी नाबालिग पुत्री के सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई।